मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मिमिक्री कांड पर सियासी महाभारत आप जानते हैं छिड़ी हुई है, और वहीं दूसरी तरफ सांसदों के निलंबन पर भी संग्राम लगातार जारी है। इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि विपक्ष के सांसद आज पैदल मार्च करेंगे। संसद भवन से लेकर विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। विपक्ष के सांसद जिस तरीके से निलंबन हुआ है उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब तक संसद के दोनों सदनों से कुल 143 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है, और इससे पहले इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में बैठक भी होगी, जिससे पैदल मार्च निकालने को लेकर जो तैयारियां हैं उसका आकलन किया जाएगा और फिर पैदल मार्च शुरू होगी। तो ये जो निलंबन पर तकरार है वो किस रूप में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, विपक्ष वर्सेस सरकार वाला जो पूरा मामला है इसका ब्यौरा आपको दे देते हैं। देखिए, लोकसभा से कितने अभी तक जो एमपीज हैं, जो सांसद है, वो सस्पेंड हुए हैं 97, और राज्यसभा से 46, मतलब अब तक कुल 143 सांसद जो हैं वो निलंबित कर दिए गए हैं। ये बड़ा आंकड़ा आपके सामने है, और संसद का ये जो निलंबन सत्र एक तरीके से कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 143 सांसद अब तक निलंबित किए जा चुके हैं। और किस तरीके से ये निलंबन हुआ है, किन किन तारीखों में ये निलंबन हुआ है, 14 दिसंबर ये सिलसिला शुरू हुआ, 13 लोकसभा से, 1 राज्यसभा से 18 दिसंबर, 33 लोकसभा से, 45 राज्यसभा से, 19 दिसंबर 49 लोकसभा से, और फिर कल यानी 20 दिसंबर को भी 2 लोकसभा के सांसद जिनको निलंबित किया गया है। ऐसे में कुल निलंबित सांसद अब तक आंकड़ा 143 पर पहुंच चुका है, जिसमें राज्यसभा 46 है और लोकसभा के 97 एमपीज जिन्हें अब तक सस्पेंड किया गया है। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं हमारे तमाम सहयोगी जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जयनेन्द्र का रुख करते हैं और जरा जानते हैं जयनेन्द्र से पैदल मार्च को लेकर विपक्ष किस तरीके से कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल रोमाना, 143 विपक्षी सांसदों का जो निलंबन हुआ है उसको विपक्ष की तरफ से संविधान का अपमान और लोकतंत्र की हत्या बताया जा रहा है, और इस मसले पर आज संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकाला जाएगा, और मार्च के बाद संभवतः सारे सांसद जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन है मुख्य, और इसके अलावा देशव्यापी प्रदर्शन है, इंडिया गठबंधन की बैठक में तय हुआ था। तो सुरक्षा में सेंध जो लगी संसद के पिछले हफ्ते, उस मसले पर विपक्ष लगातार सरकार से और खासतौर पर गृह मंत्री से सदन के अंदर बयान की मांग कर रहा है, और इस वजह से हंगामा कर रहा है, जिसके कारण दोनों सदनों से लगभग 143 सांसद निकाले जा चुके हैं। और इन सबके बीच मुद्दा जो है वो डाइवर्ट हो गया कल्याण बनर्जी की एक ऐसी हरकत से, जिसके कारण सरकार को यानी बीजेपी को मौका मिल गया उपराष्ट्रपति के अपमान के मसले को। हालांकि विपक्ष का कहना है कि उपराष्ट्रपति के अपमान की मंशा नहीं थी, मिमिक्री जो है वो अपमान नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपमान के मसले पर, मिमिक्री के मसले पर विपक्ष बैकफुट पर जरूर है, लेकिन अपनी तरफ से जो सांसदों के निलंबन का मामला है उसको वो जोर शोर से उठाना चाहता है, और इसी वजह से अब तक संसद के अंदर हमने प्रदर्शन देखा बीते एक हफ्ते से, और आज जो तमाम विपक्षी सांसद हैं, निलंबित सांसद हैं, वो संसद से बाहर मार्च करते हुए आएंगे विजय चौक तक और अपनी बात रखेंगे, और कल देशव्यापी प्रदर्शन होगा। तो कुल मिलाकर के ये सियासत साधी जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी। अब कुल मिलाकर के देखना यही है कि किसकी रणनीति ज्यादा कारगर साबित होती है। जी रहिए मेरे साथ, लौटूंगे आपके पास। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर छिड़ा घमासान आप देख रहे हैं कैसे लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ABP News आपको रखे आगे।